बैंक्स के बारे में बात करते हैं, पहले इसको हिस्सों में बांट लेते हैं। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई ले लीजिए या दूसरे भी ले लीजिए, अच्छी तेजी के बाद बीओबी वगैरह एक साइडवेज मूव चला गया। पहले पीएसयू बैंक से बताएं, जो टॉप तीन चार नाम है बीओबी, एसबीआई, कैन बैंक, क्या इनके अंदर वापस से एंट्री का समय आ रहा है, क्या एक दूसरा राउंड शुरू होगा या आप अवॉइड करेंगे और आप प्राइवेट सेक्टर लीडर्स के साथ ही रुकना चाहेंगे? पीएसयू बैंक से एक थीम तो है, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस एसबीआई का रहा है पिछले 6 से 9 महीनों में, मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा और एसबीआई यहां से भी 20% का रिटर्न आपको दे सकता है। मेरी बस एक ही वरी है कि बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी वर्टिकल रैली आई है पिछले 2 महीनों में, 44,500 का जो लेवल है अभी, मुझे लग रहा है नहीं कि यहाँ पर इमीडिएटली सस्टेनेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर प्राइवेट बैंक में तो बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए। मेरा यही व्यू है कि अब बैंक से दूर होके आप आईटी, फार्मा और दूसरे सेक्टर्स में जाएं। बट अगर आप 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, बीओबी और कैनरा बैंक हमें अच्छा लगता है। ग्रेड बी और ग्रेड सी स्टॉक्स पीएसयूज में मत जाइए, क्योंकि वहां पर जैसी मोमेंटम जाती है वो सब स्टॉक्स में बड़ी फॉल आ जाती है। बट एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। पे आपका कॉन्ट्रा बाय आ रहा है, ये बहुत बहुत डिफरेंशिएटेड व्यू है, बहुत अलग व्यू दे रहे हैं आप। क्योंकि अच्छा, दोनों साइड ऑफ द मार्केट के बारे में बताइए, एक तो इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो वाला पॉकेट, और दूसरा केपीआईटी परसिस्टेंट, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बाजार की रुचि बनना शुरू हो गई है, बट बड़ा पॉकेट अभी भी थोड़ा सा लैकलस्टर है, आप इस पर कॉन्ट्रा व्यू क्यों ले रहे हैं लॉन्ग? देखिए, हम गोल्डीलॉक्स पे कस्टम इंडेसेस काफी देखते हैं जो एनएसई नहीं देता है, और उस कस्टम इंडेसेस बना के हमें ये पता चलता है कि कहां पर अच्छी थीम है। तो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का आईटी का एक कस्टम इंडेक्स बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां बहुत बड़ी थीम है। अगर आप परसिस्टेंट को देखिए, साइंट को देखिए, केपिट कमिंस को देखिए, सब अपने 52 वीक हाईज या लाइफ टाइम हाईज पे चल रहे हैं और अभी भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। और वही आप लार्ज कैप आईटी इंडेक्स को देखते हैं तो वो अपने 52 वीक लो के पास है, तो एक काफी बड़ा डिस्कनेक्ट रहा है पिछले 6 महीनों में। तो मिड कैप आईटी में तो तेजी बनी रहेगी और अपसाइड मिलेंगे, नए नए स्टॉक्स अब चलना यहां से चालू करेंगे। लार्ज कैप आईटी जो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल से कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज में रहा है, जो पिछले 6 महीने में जो हुआ है वो एक टाइम करेक्शन था, सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी प्राइस में है, और लग रहा है कि जिस तरह से नैसडेक में जो स्ट्रेंथ है और जिस तरह का कोरिलेशन है, आई थिंक यहाँ से अपसाइड होना ज्यादा सेंस बनता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 18,600 के इंडेक्स पे रिस्क रिवॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स में। तो आईटी में मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी लगती है, यहाँ से मुझे लगता है कि 15-20% की तेजी इंडेक्स पे आ सकती है, स्टॉक्स में भी उतनी बड़ी तेजी आएगी। तो हमें टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो और फाइनली इंफोसिस, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं और आपके आपके व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को इसमें पोजिशन बनानी चाहिए। 15-20% तक की तेजी आईटी इंडेक्स में नजर आती है।